नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बात करेंगे सुशांत केस के। अब इसमें कई और तथ्य सामने आए हैं, कई खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई ऐसी गुत्थियां हैं जो अभी भी पहेली बनी हुई है। सुशांत के दोस्त संदीप सिंह भी ऐसे ही एक पहेली हैं, जिन्हें लेकर बहुत सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं। संदीप का किरदार लोगों को खचक रहा है। अब संदीप खुद मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने खुद को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस की जांच जारी है। सीबीआई, ईडी, एनसीबी छानबीन कर रही है। हालांकि इस राज से अभी भी पर्दा नहीं उठ पाया है कि सुशांत ने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या हुई। सुशांत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया के बाद सबसे ज्यादा सवाल किसी को लेकर उठे तो वो खुद को उनका दोस्त बताने वाले संदीप सिंह है। सुशांत के पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक में संदीप सक्रिय थे। संदीप और रिया का कनेक्शन भी जुड़ा। हालांकि संदीप ने इन खबरों को खारिज किया है। रिया ने इंटरव्यूज दिए हैं थोड़े दिन पहले, जहां उनसे खुद पूछा गया है कि क्या आप संदीप सिंह को जानती थी। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं है, मेरे पास नंबर ही नहीं है उनका, हमने कभी देखा ही नहीं एक दूसरे को, कभी बात ही नहीं किया है, तो मैं कहां से उनको जानूंगा, पहचानूंगा या मिलूंगा। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद एनसीबी की जांच में ये साफ हो गया है कि सुशांत को रिया ड्रग्स देती थी। रिया का कहना है कि सुशांत उनसे मिलने से पहले से ही ड्रग्स ले रहे थे, जिसके बाद ये सवाल उठे कि सुशांत का दोस्त होने के नाते संदीप भी ड्रग्स के इस खेल का हिस्सा रहे होंगे। हालांकि संदीप ने इन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया। मैं वो इंसान हूं जो सिगरेट नहीं पीता है, आज तक नहीं पिया हूं, अल्कोहल का एक बूंद कभी जिंदगी में नहीं पिया, और मुझे आप लोगों ने ड्रग पेडलर भी बना दिया। संदीप सिंह से पूछा गया कि आप पिछले एक साल से सुशांत के संपर्क में नहीं थे, लेकिन अचानक सुशांत की मौत के दौरान इतना सक्रिय कैसे हो गए। संदीप ने इसका भी जवाब दिया। बिहार से हूं, अगर किसी अनजान इंसान का भी अर्थी जाता है ना हमारे यहाँ सड़क पे, तो हम कांधा दे देते हैं तुरंत। तो ये तो मेरा दोस्त था यार, या मुझे ये जजमेंट देखना, अरे इसने तो एक साल से और मैंने भी एक साल से एक दूसरे से बात नहीं की है, तो मैं क्यों जाऊं, ये सब सोचूं, ये कहाँ की इंसानियत है कि ऐसे मौके पे मैं सोचूं। तो वो उस रिश्ते की कहाँ वैल्यू है जो 2011 से लेकर 2018 तक मैंने कमाया है, और अगर एक साल वो छिछोरे और दिल बेचारा के शूटिंग में बिजी था, और मैं अपना पीएम नरेंद्र मोदी बनाने में बिजी था, और उसको रिलीज करने में, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, उसकी राइटिंग, उसकी कास्टिंग, उसका रिलीज करना कितना भयंकर था मेरे लिए। तो हर इंसान बिजी हो जाता है अपने लाइफ में। सुशांत की मौत के बाद जब संदीप सुर्खियों में आए तो सुशांत के घर वालों का बयान आया कि वो सुशांत को नहीं जानते। संदीप लंबे वक्त से सुशांत के संपर्क में नहीं थे, फिर अचानक वो सीन में कैसे आ गए। अब खुद संदीप इसका जवाब दे रहे हैं। परिवार को नहीं जानता तो परिवार मुझे नहीं जानता था, ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा कोई फंक्शन या शादी या प्रीमियर या बर्थडे पार्टी में फैमिली कभी आई नहीं थी। सुशांत ने मुझे या मुझे तो नहीं मिलवाया कभी। तो 14 जून को जब मैं वहां पहुंचा तो मैं पहली बार मीतू दीदी से मिला। सुशांत केस में संदीप की भूमिका को लेकर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कूपर अस्पताल के बाहर वो एक पुलिसकर्मी को थम्सअप करते नजर आए थे। उनकी इस बॉडी लैंग्वेज ने उन्हें सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। संदीप ने इसका भी जवाब दिया है। शक तो किसी भी चीज पे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं मीतू दीदी को लेके लॉकडाउन के वक्त पे कूपर हॉस्पिटल में पहुंचा और गाड़ी से नीचे उतरा, तो एक हवलदार ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आया, क्योंकि वो लोग मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते कि आप पहुंचिए जल्दी, आप और एक परिवार का सदस्य। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी गलती ये हो गई कि मैंने चिल्लाया नहीं ज़ोर से कि हाँ मैं हूँ संदीप सिंह, या मैं अपना मास्क निकाल के नहीं बोला मैं हूँ संदीप सिंह, मैंने सिर्फ ऐसा कहा, और उन्हें वो मुझे अंदर लेके और मीतू दीदी को लेके चले गए। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया, किसी दोस्त के फैमिली को ऐसे समय पे सपोर्ट करते वक्त क्या मुझे मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा जेस्चर, मेरी आँख, मेरी थम्सअप का क्या लोग मायने निकालेंगे, ये सोचता फिरूंगा मैं, या उस सिचुएशन पे फैमिली के साथ खड़े रह के, जो अकेली थी उस समय फैमिली, कोई चंडीगढ़ में थी, कोई दिल्ली में थी, कोई यूएस में थे, कोई पटना में थे, तो उस समय मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी आँखें कैसी होगी, मेरी आँखों में पानी होना चाहिए, ये क्या मैं कोई एक्टिंग कर रहा था, मैं तो सपोर्ट कर रहा था।
सुशांत की डेड बॉडी को उनके फ्लैट से कूपर अस्पताल तक लाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ 3 दिन तक लगातार फोन पर संपर्क में रहने को लेकर भी संदीप पर गंभीर सवाल उठे। संदीप ने इस मुद्दे पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। एम्बुलेंस ड्राइवर का मुझे फोन आया था जो 14 जून को बांद्रा के घर से कूपर हॉस्पिटल लेके गया था। वो एम्बुलेंस वाले ने मुझे फ़ोन किया क्योंकि जो कूपर हॉस्पिटल से पुलिस वाले थे उनके पास मेरा नंबर था, तो वो फैमिली वालों को तो फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली वाले उस समय तक आए नहीं थे। तो उन लोगों ने, वो कूपर वाले जो एम्बुलेंस था उसने मुझे फ़ोन किया क्योंकि वो अपना पेमेंट चाहता था 8,000 रुपये का जो बिल भेजा उसने। तो मैं 14, 15 और 16 तक नहीं पेमेंट कर पाया था क्योंकि हम लोग इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ में थे। तो 3 से 4 बार, क्योंकि उसे तो अपने पेमेंट से मतलब है, तो वो बेचारा फ़ोन कर रहा था उस पेमेंट के लिए। तो उसमें उसने भी कुछ गलती नहीं की और मैंने भी कुछ गलती नहीं की। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि उस समय मुझे सोचना चाहिए था कि अगर मैं एम्बुलेंस वाले से बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या ये गलती है, या मेरे को उस समय मीतू दीदी का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था और सुशांत की फैमिली को बोलना चाहिए था प्लीज़ ये पेमेंट कर दीजिए। मैंने एज अ फ्रेंड, एज अ इंसान वो पेमेंट कर दिया। संदीप ने सुशांत से अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए 5 व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। ये चैट नवंबर 2016 और जून 2018 के हैं। संदीप ने इन चैट को शेयर करते हुए ये भी लिखा है कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। संदीप का कहना है कि लोगों को जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए और किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। संदीप को भरोसा है कि सुशांत की मौत का सच जल्द सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत की मौत के बाद जब संदीप सुर्खियों में आए तो सुशांत के घर वालों का बयान आया कि वो सुशांत को नहीं जानते। संदीप लंबे वक्त से सुशांत के संपर्क में नहीं थे, फिर अचानक वो सीन में कैसे आ गए? अब खुद संदीप इसका जवाब दे रहे हैं। परिवार को नहीं जानता, तो परिवार मुझे नहीं जानता था, ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा कोई फंक्शन या शादी या प्रीमियर या बर्थडे पार्टी में फैमिली कभी आई नहीं थी। सुशांत ने मुझे या मुझे तो नहीं मिलवाया कभी। 14 जून को जब मैं वहां पहुंचा तो मैं पहली बार मीतू दीदी से मिला। सुशांत केस में संदीप की भूमिका को लेकर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कूपर अस्पताल के बाहर वो एक पुलिसकर्मी को थम्सअप करते नजर आए थे। उनकी इस बॉडी लैंग्वेज ने उन्हें सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। संदीप ने इसका भी जवाब दिया है। शक तो किसी भी चीज पे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं मीतू दीदी को लेके लॉकडाउन के वक्त पे कूपर हॉस्पिटल में पहुंचा और गाड़ी से नीचे उतरा तो एक हवलदार ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आया, क्योंकि वो लोग मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते कि आप पहुंचिए जल्दी, आप और एक परिवार का सदस्य। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी गलती ये हो गई कि मैंने चिल्लाया नहीं ज़ोर से कि हाँ मैं हूँ संदीप सिंह, या मैं अपना मास्क निकाल के नहीं बोला मैं हूँ संदीप सिंह। मैंने सिर्फ ऐसा कहा और उन्हें, वो मुझे अंदर लेके और मीतू दीदी को लेके चले गए। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? किसी दोस्त के फैमिली को ऐसे समय पे सपोर्ट करते वक्त क्या मुझे मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा जेस्चर, मेरी आँख, मेरी थम्सअप का क्या लोग मायने निकालेंगे, ये सोचता फिरूंगा मैं? या उस सिचुएशन पे फैमिली के साथ खड़े रह के, जो अकेली थी उस समय फैमिली, कोई चंडीगढ़ में थी, कोई दिल्ली में थी, कोई US में थे, कोई पटना में थे, तो उस समय मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी आंखें कैसी होगी, मेरी आंखों में पानी होना चाहिए, ये क्या मैं कोई एक्टिंग कर रहा था, मैं तो सपोर्ट कर रहा था। सुशांत की डेड बॉडी को उनके फ्लैट से कूपर अस्पताल तक लाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ 3 दिन तक लगातार फोन पर संपर्क में रहने को लेकर भी संदीप पर गंभीर सवाल उठे। संदीप ने इस मुद्दे पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। एम्बुलेंस ड्राइवर का मुझे फोन आया था जो 14 जून को बांद्रा के घर से कूपर हॉस्पिटल लेके गया था। वो एम्बुलेंस वाले ने मुझे फ़ोन किया क्योंकि जो कूपर हॉस्पिटल से पुलिस वाले थे उनके पास मेरा नंबर था, तो वो फैमिली वालों को तो फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली वाले उस समय तक आए नहीं थे। तो उन लोगों ने, वो कूपर वाले जो एम्बुलेंस था उसने मुझे फ़ोन किया क्योंकि वो अपना पेमेंट चाहता था 8,000 रुपये का जो बिल भेजा उसने। तो मैं 14, 15 और 16 तक नहीं पेमेंट कर पाया था क्योंकि हम लोग इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ में थे। तो 3 से 4 बार, क्योंकि उसे तो अपने पेमेंट से मतलब है, तो वो बेचारा फ़ोन कर रहा था उस पेमेंट के लिए। तो उसमें उसने भी कुछ गलती नहीं की और मैंने भी कुछ गलती नहीं की। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि उस समय मुझे सोचना चाहिए था कि अगर मैं एम्बुलेंस वाले से बात करूँगा तो लोग क्या कहेंगे,
क्या ये गलती है, या मेरे को उस समय मीतू दीदी का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था और सुशांत की फैमिली को बोलना चाहिए था प्लीज़ ये पेमेंट कर दीजिए। मैंने एज अ फ्रेंड, एज अ इंसान वो पेमेंट कर दिया। संदीप ने सुशांत से अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए 5 व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। ये चैट नवंबर 2016 और जून 2018 के हैं। संदीप ने इन चैट को शेयर करते हुए ये भी लिखा है कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। संदीप का कहना है कि लोगों को जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए और किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। संदीप को भरोसा है कि सुशांत की मौत का सच जल्द सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिया के बयानों की टाइमिंग तो आप समझ गए, लेकिन अब आप समझिए सुशांत के प्यार को याद करने वाली रिया चक्रवर्ती ने किस तरह सुशांत सिंह राजपूत के भरोसे और प्यार का फायदा उठाया। रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने धोखे से सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स का आदि बना दिया। कम मशहूर लेकिन बॉलीवुड अदाकारा होने की वजह से रिया चक्रवर्ती का कैमरों से रिश्ता पुराना है। कई फ्लॉप फिल्मों और टीवी में काम कर चुकी रिया चक्रवर्ती के पास स्क्रीन पर नजर आने का भी अनुभव है। लेकिन अपने घर से निकलकर पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस पहुंची रिया चक्रवर्ती के चारों तरफ जितने कैमरे नजर आए वैसी कवरेज के बारे में रिया ने सपने में भी नहीं सोचा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की नंबर वन आरोपी रिया चक्रवर्ती के बारे में इस वक्त देश में जितनी बातें हो रही हैं उतनी चर्चा बहुत कम लोगों की हो रही है। रिया चक्रवर्ती फाइनली एनसीपी के इस ऑफिस में आ चुकी है पूरे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, जो एनसीपी के दफ्तर के आसपास भी बड़ी संख्या में पुलिस वाले इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं रिया चक्रवर्ती को भारी सुरक्षा बलों के साथ यहां पर एनसीपी के दफ्तर में अंदर ले जाया जा रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो लाखों करोड़ों फैंस के चहेते थे, उनकी मौत में क्या रिया चक्रवर्ती का कोई रोल था। लोग जानना चाहते हैं क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को धोखे से ड्रग्स की लत लगा दी थी। लोग जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का क्या कोई ड्रग कनेक्शन भी है, और क्या सीबीआई, ईडी और एनसीबी की जांच के शिकंजे में फंसी रिया चक्रवर्ती से पूरा सच उगलवाया जा सकेगा। रिया चक्रवर्ती के नशा लोक का पूरा राज बहुत जल्दी खुलने वाला है। रिया चक्रवर्ती के गुनाहों की कहानी भी सामने आ ही जाएगी, लेकिन जांच एजेंसियों के किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले रिया चक्रवर्ती ने खुद को सुशांत से प्यार करने का गुनहगार बता दिया। आप सोच में पड़ गए होंगे कि सीबीआई पूछताछ से पहले प्रायोजित इंटरव्यू देने वाली रिया चक्रवर्ती एनसीबी जांच से पहले कौन सा नया खेल खेल रही थी, और एनसीबी की जांच से पहले रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत का प्यार क्यों याद आ रहा था। चलिए सबसे पहले हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। रिया चक्रवर्ती एनसीबी की जाँच के लिए घर से निकलने वाली थी। इससे पहले ही रिया के वकील सतीश मानशिंदे की ओर से एक बयान आया जिसमें कहा गया रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है क्योंकि ये एक डैन हंट है। अगर किसी से प्यार करना अपराध है तो उसे अपने प्यार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। निर्दोष होने के कारण उसने बिहार पुलिस, सीबीआई, ईडी और एनसीबी द्वारा दायर मामलों में अग्रिम जमानत के लिए किसी भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने इस बयान के जरिए ये बताने की कोशिश की कि रिया को सुशांत से प्यार करने के गुनाह की सजा मिल रही है, लेकिन रिया के वकील जिस प्यार की बात कर रहे हैं उस पर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार एक बार नहीं कई बार सवाल खड़े कर चुका है।
अब वो कह रही है कि साहब वो राजा के जैसा रहता था। अरे वो राजा के जैसा रहता था तो आप भी तो रानी का कर्तव्य निभाना था आपको, आप ऐसे मौके पे उसको छोड़ के चली गई। सुशांत के परिवार के लोगों और फैंस को रिया चक्रवर्ती के सुशांत से प्यार वाली थ्योरी पर भरोसा नहीं है, तो फिर आप सोचेंगे कि रिया चक्रवर्ती की ओर से अचानक ये बयान क्यों दिया गया। इसका जवाब भी सुशांत के दोस्त और जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने दे दिया। उसको सुशांत सिंह राजपूत का घर भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब हकीकत में अपने ससुराल जा रही है, उसको बेल नहीं मिलेगा। इसके लिए सतीश माने शिंदे आके क्या बोलते हैं कि वो प्यार में थी, प्यार करती थी तो जो सजा मिलेगा उसे मंजूर है। ये फिल्मी डायलॉग मत मारिए, आपको फिल्म का काम भी नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि आपको बेल नहीं मिलने वाला है, आप एप्लीकेशन करोगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप भी लगा है। कई ड्रग्स चैट इस बात को साबित भी कर रही हैं कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती ड्रग्स दे रही थी, लेकिन क्या सुशांत की मौत से भी इसका कनेक्शन है? सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह पता करने में जुटी हुई है। इस जांच के नतीजे रिया चक्रवर्ती के प्यार वाले दावे की सच्चाई भी सामने लेकर जरूर आएंगे, और तब मालूम चलेगा कि रिया का प्यार सच्चा था या उसने अपने सबसे प्यारे रिश्ते को भी नशे के धुएं में उड़ा दिया। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रिया के सत्यमेव जयते का ड्रामा।